इस मुकाबले में धवन नाम का काफी कारवां चल रहा है, जहां पहले शिखर धवन के बल्ले से रनों की बारिश होती है और एक काफी इंटरेस्टिंग चीज लेके आते हैं ऋषि धवन। बता दिया जाए, ऋषि धवन आज के मुकाबले में खेल रहे हैं, जहां सन 2016 के बाद आखिरी बार मुंबई इंडियंस खेले खेले थे, उसके बाद आज ऋषि धवन खेल रहे हैं। लेकिन ऋषि धवन ने आते ही विकेट तो ली है, कुछ किया है साथ ही में हैरत अंगेज कारनामा, जिसके चलते वो काफी ज्यादा चर्चा में आ रहे हैं इस समय। क्रिकेट इन इंडिया का यूट्यूब पेज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ लक्षित। बता दिया जाए, आज ऋषि धवन जब आए फील्ड पे तो उन्होंने अपने चेहरे पे एक मास्क डाला हुआ था। ये कोविड का मास्क नहीं है, लेकिन एक हेलमेट सॉर्ट ऑफ थिंग है जो गेंदबाज को प्रोटेक्शन देगा और ऋषि धवन को फील्डिंग करते हुए प्रोटेक्शन देगा। बता दिया जाए, जैसा आप इस समय मेरे पीछे स्क्रीन पे देख सकते हैं, आगे एक हेलमेट टाइप डाला हुआ है जो हम अक्सर टू व्हीलर्स, बाइक या एक्टिवा चलाते हुए डालते हैं। काफी इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ऋषि धवन से, जहाँ एक नया ट्रेंड उन्होंने जरूर शुरू किया है। आने वाले समय में हमने देखा था, इससे पहले अंपायर तो जरूर इसे फॉलो करते थे, और आने वाले समय में क्या यह ट्रेंड लगातार गेंदबाज भी फॉलो करेंगे, क्योंकि काफी रिस्क का खेल है जब गेंदबाजी करके आते हैं। अगर कोई सीधा शॉट आए, काफी तेजी से शॉट आए और आपके चेहरे पे लग जाए, उससे दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न जो यहाँ खड़ा उठता है, जो डाला है उन्होंने यहाँ पे फेस मास्क, वो उन्हें कितनी दिक्कत दे सकता है फील्डिंग करते समय, गेंदबाजी करते समय, क्योंकि एक व्यू ऑब्स्ट्रक्शन जरूर वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। अब ये तो ऋषि धवन ही बताएंगे जो उन्होंने ट्रेंड शुरू किया है वो किस तरह का आगे रूप लेके जाता है। अब आपको बताते हैं ऋषि धवन ने ऐसा असल में किया क्यों है। बता दिया जाए, आज से कुछ महीने पहले एक रणजी ट्रॉफी का मैच चल रहा था, जहाँ गेंद सीधा आके ऋषि धवन के सिर पे लगी थी। और रणजी ट्रॉफी में जो गेंद यूज़ की जाती है वो होती है लेदर की गेंद, जो काफ़ी हार्ड होती है। T20 और ODI गेंदों की अगर बात की जाए, उससे अलग होती है वो गेंद, काफ़ी भारी होती है, जो सीधा ऋषि धवन के सिर में आके लगी थी, जिसके चलते बाद में ऋषि धवन को एक काफ़ी लंबी इंजरी, जिसके चलते उनकी सर्जरी भी हुई थी सिर के एरिया में, जिसके बाद अब प्रोटेक्शन लेना चाहेंगे। अक्सर कहा जाता है ना कि दूध का चला छाछ भी फूक के पीता है, बिल्कुल वही यहाँ पे होता हुआ, बिल्कुल प्रोटेक्शन के साथ। लेकिन सलाम करना होगा यहाँ पे ऋषि धवन के जज्बे को, इतनी बड़ी इंजरी और सर्जरी होने के बाद भी ये खिलाड़ी ने किया है कमबैक, लगातार किया है परफॉर्म, जहाँ पे डोमेस्टिक में अपनी टीम हिमाचल को एक ट्रॉफी भी दिलवाई है ऋषि धवन ने अपने बढ़िया परफॉर्मेंस के चलते, और आज IPL में कर रहे हैं ये कमबैक। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि ऋषि धवन का ये जज्बा आपको किस तरह का लगा है। सब्सक्राइब कर दीजिए क्रिकेट इन इंडिया के यूट्यूब चैनल को जानने के लिए IPL और क्रिकेट से जुड़ी हर एक ताज़ा अपडेट, वो भी सबसे पहले। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, क्रिकेट इन इंडिया का यूट्यूब पेज देख रहे हैं आप। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइव चैट में और अगर आपकी वीडियो बढ़िया लगी और ऋषि धवन ने जो ट्रेंड शुरू किया है वो कैसे क्या लगा आपको, कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।